का जतन करूं, तुझे भूलने का जतन करूं, तो कोई जतन कारगर न हो मैं तेरे बगैर उदास हूँ। मेरी शब को आके निखार दे, ये है किस चराग की रोशनी जो फजा में नूर बिछा गई। ये है किस चराग की रोशनी जो फजा में नूर बिछा गई। ये मेरे दिल का शरर न हो, ये मेरे दिल का शरर न हो, ये मेरा ही सोजे जिगर न हो मैं तेरे बगैर उदास हूँ। मेरी शब को आके निखार दे। ये मिलन की शब है खरीब का, तुझे अपने दिल में उतार लूं। ये मिलन की शब है खरीब का, तुझे अपने दिल सरकार कैसे हैं आप? तस्लीम आपा बेगम। आदाब जी। मैं नहीं जानती थी कि आप आज वापस आ रही हैं। जाहिर है, ये बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी सालगिरह पर ये अचानक आ गई। आपा, मुख्तार नवाब ने मेरी सालगिरह की ये पार्टी दी है। ये तो इस हवेली की इज्जत अफजाई है सर। आइए सरकार, आप थक गई होंगी, आराम करिए, चलिए। आइए। डांडेली से तुम्हारे अचानक चले आने का मतलब अब समझ में आया। कुछ दिनों से हवेली के अखराजात के लंबे चौड़े बिल तांडेली पहुंच रहे थे। यहां तो वो सभी लूटे पिटे नवाब मौजूद हैं जिन्होंने बाप दादा की दौलत अय्याशी में उड़ा दी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सरकार जो चौंक की तरह लिपटे रहते हैं और उन्हें संभलने नहीं देते। पता नहीं तस्नीम पाशा को कब अक्ल आएगी। अब तुम लोग भी ताजा दम हो लो। जी बेहतर,
सरकार मैं खाना बना दूं सबके लिए? माय फुट, मुझे क्या पड़ी थी मैं बूढ़ों में जाकर घुसूं? मैं तो मुख्तार नवाब की वजह से वहां जाना चाहती थी, उन्होंने बुलाया था मुझे वहां। पर मुख्तार नवाब यही हवेली में तो है, अभी तो देखा मैंने उन्हें। वही तो मैं कह रही हूँ, मम्मी ने उन्हें इशारा किया होगा कि वो उनकी सालगिरह मनाए, और अब मम्मी ही मुझे पार्टी में जाने से मना कर रही है। क्यों? वो कह रही है कि आजम नवाब को शायद मुख्तार नवाब पसंद नहीं है, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। बात तो ठीक है ना? क्या ठीक है? आजम नवाब को भला क्या एतराज होने लगा? और यूं भी अब मैं बड़ी हो गई, अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। बचपना छोड़िए शहाना, तस्नीम पाशा जो भी कर रही हैं आपकी भलाई के लिए ही तो कर रही हैं। अच्छा, अब तुम्हें ये कैसे समझ में आ गया कि वो मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही हैं? कौन माँ बाप अपनी औलाद की भलाई नहीं चाहते? और वैसे भी वो आजर नवाब को आपसे ज्यादा जानती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजर नवाब का इससे क्या ताल्लुक है? क्या वो आपकी मंगेतर नहीं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कौन कर रहा है आजर नवाब से शादी? कौन नहीं कर रहा है आजर नवाब से शादी? शाहना, तुम मुसलसल अपनी बेवकूफी का सबूत दिए जा रही हो। मम्मी, मम्मी आप समझती क्यों नहीं, मैं आजर नवाब से शादी नहीं करूंगी। मुझे समझाओगी क्यों नहीं करोगी तुम आजर नवाब से शादी? क्या कमी है उसमें? माशाल्लाह लाखों में एक है, दौलतमंद है, दुनिया की कौन सी ऐसी लड़की है जो उनकी दुल्हन बनना पसंद नहीं करेगी? हाँ, सिर्फ दौलतमंद होना ही तो काफी नहीं है, तबीयत भी तो मिलनी चाहिए। वाह, बहुत खूब, बड़ी समझदार हो गई हो तुम। भले ही आजर नवाब लाखों में एक हो, लेकिन मैं जहनी तौर पर उनका साथ नहीं दे पाऊंगी। क्या मुश्किल है शाहना? मुश्किल? आजर नवाब सारी की सारी दुनिया के सबसे मुश्किल मर्द हैं, उनसे डर लगता है, और मैं अपने शौहर से डरना नहीं चाहती। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मसलन कई मौके आ सकते हैं, जैसे मुझे पार्टियां पसंद है, उन्हें नहीं है, उन्हें किताबें पसंद है और मुझे किताबों से चिढ़ है। बस यही वजह है? एक एक वजह और भी है। क्या वजह है? जब इतना कह लिया तुमने तो अब क्यों मुंह बंद रखती हो? मैं मुख्तार नवाब से शादी करूंगी। क्या पक रही हो तुम? जो कहना था सो कह दिया। शाहना, तुम जानती हो वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं? वो मेरे हम उम्र हैं। मैं उम्र की परवाह नहीं करती, मिजाज मिलने चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद इसलिए कि आपकी नजरें उन पर लगी हैं। क्या कर रही हो तुम? बंदे की चेते हैं। खुशवास रो भैया, आओ आओ, ये अंदर पेंटिंग्स का पार्सल आ गया। मानिक राव भाई, अंदर भैया आए। अच्छा, बैठो भैया। शुक्रिया चेते, आपके रंगों का पार्सल आ गया। भाई तुम हमारी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते हो, हैं?
क्या आपने मेरे बचपन का ख्याल नहीं रखा? जब भी मौका मिलता तो मैं कॉटन में भागाता और आपके सारे रंग एक जान कर देता, और आपको शिकायत तक नहीं होती? शिकायत कैसी, हम तो तुम्हारा एहसान मानते हैं। तुम हमारे रंगों में अपनी मासूमियत का रंग घोल दिया करते थे। चले जाए, एहसान तो आपने हम पर किया है। वो कैसे? हमारे चाचा जान होकर। वो एजेंट की बैंगलोर से खबर आई है कि आपकी एग्जीक्यूशन बहुत कामयाब रही और खूब पेंटिंग बिक रही है। उसकी जो रकम आएगी ना वो ट्रस्ट में भेज दे रहा, वो जो जरूरतमंद फनकारों के लिए बनाई है। जी, और चाचा जान अब आप हवेली में क्यों नहीं आ जाते? आपको वहाँ हर किस्म का आराम रहेगा और हम चाहते हैं कि आप हमारे करीब रहें। मैं तुमसे दूर कब था? हाँ हाँ जी जी सरकार, ऐसी बातें क्यों करते हैं, मेरा भी तो जी चाहता है ना। हाँ, उन्हीं के कमरे से तो बात कर रही हूँ। दरअसल मुख्तार नवाब, मैं आज आज़र नवाब के साथ बाहर शाम को पार्टी में। मुख्तार नवाब, आज़र नवाब शाहना को नज़र से ओझल नहीं होने देते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार रहूँगी। शाहना को अब किसी बात के लिए फुर्सत नहीं। आज़र नवाब उसको पार्टियों, रेस कोर्स, गोल्फ सभी जगह अपने साथ रखते हैं। मानिक राव। सलाम है। नवाब साहब है? नवाब साहब चाय पी रहे हैं। ओ अच्छा, उनसे कह दीजिए कि मैं बाद में आऊंगी। कौन है मानिक राव? हुजूर, मेहमान देवी आया है। अरे तो आने दो ना। नहीं। आदाब। सलामत रहो, बैठो। कुछ खाओगी? जी नहीं, मैं खा कर आई हूँ। डांडली चाय कर तुम और निखर गई हो। आप कैसे हैं? अरे हमारी छोड़ो, जैसा इस उम्र में होना चाहिए। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? आप सलामत रहे। डांडली की खबर सुनाओ, मुझे तो वहां गए सदियां गुजर गई हैं। वहां मैंने कई तस्वीरें बनाई हैं, आपको जरूर दिखाऊंगी। क्या वहां के जंगल अब भी दिल का दामन थाम लेते हैं? एग्जैक्टली। और बड़ी सरकार, वो तो वहां हर दिल में बसती हैं। अच्छे लोग तो दिल में बस ही जाते हैं, दिल भी एक अजीब बस्ती है। और बशारत नवाब, उन्होंने तो वहां का सारा काम संभाल लिया है। और शमशाद और मुंशी जी, वो दोनों तो वहां जमकर हुकूमत करते हैं। और क्या आज़र नवाब इतने भी अहम नहीं कि तुम उनका जिक्र करो? मैंने सोचा था वो खुद आकर आपसे मिल चुके होंगे। हाँ, आया था। वो लड़का भी कितना बदल गया है। सुना जब इंग्लैंड से वापस आया था तो लड़कियां उसे घेरे रहती थी, क्लब में, रेस कोर्स में, हर जगह। पर अब वो बिल्कुल बदल गया है। जो लड़की उसे जीत लेगी खुश नसीब होगी। क्यों, तुम्हें मेरी राय ठीक नहीं लगी? जी जी, मैं उन्हें ज्यादा जानती नहीं। समझदार हो, समझने में देर मत करो, वरना 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 देर हो जाएगी। मैं आपका मतलब नहीं समझ रही, क्या वो इतने खतरनाक हैं? नहीं नहीं नहीं, खतरनाक नहीं, संदिग्ध जरूर है। वो संदिग्ध तो नहीं है। ओ, मैं चलती हूँ।
आदाब सरकार। क्यों शमशाद, हमें पान नहीं खिलाओ? अयो, मैं कब भी आपको पान खाते नहीं देखी ना। लियो। जी सरकार, क्या बात है, आज खास तौर से मुझे याद फरमाया। हवेली में कुछ अनहोनी बातें हो रही हैं। जानता हूँ सरकार, और ये भी जानता हूँ कि इसकी जिम्मेदार खाला अम्मी है, लेकिन खाला अम्मी और मुख्तार नवाब अगर निकाह करना चाहें तो इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? आज़र नवाब, क्या इस तूफान को दबाने के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि शाहाना की शादी तुमसे हो जाए?